बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारी मीटिंग का टाइम ओवर हो गया था, जिस वजह से हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो जहां से हम डिस्कशन हमने स्टॉप की थी, वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा हमारे पास सर्वर्स हैं, तो वो बेसिकली हर सर्वर जो है वो अपना डेडिकेटेड अपना टास्क परफॉर्म कर रहा होगा, और उसके अलावा आपके पास बैकअप सर्वर्स होंगे, बैकअप कंट्रोलर्स होंगे, जो हर सर्वर का बैकअप भी ले रहे होंगे, ताकि जब अगर किसी सर्वर में कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम आ जाता है, तो इमीडिएटली जो क्लाइंट्स हैं वो सारे के सारे बैकअप सर्वर पे शिफ्ट हो जाएंगे, और जो हार्डवेयर प्रॉब्लम है वो बाकी नेटवर्क रिलेटेड जो भी टेक्निकल स्टाफ होगा वो उसको रिजॉल्व कर लेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप है नेटवर्क सी, दैट इज पीयर टू पीयर नेटवर्क। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क्स एवरी कंप्यूटर इज केपेबल ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ क्लाइंट, सर्वर और बोथ एट द सेम टाइम। इसमें हर कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट भी हो सकता है और सर्वर भी हो सकता है, और एट द सेम टाइम वो दोनों रोल भी प्ले कर रहा होता है। इन दिस नेटवर्क ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क इज रेफर्ड टू एज अ पीयर। पीयर क्या होता है, जैसे आप सब लोग एक दूसरे के पीयर हैं, कि एक दूसरे के साथी हैं, सबका एक इक्वल रोल है। तो अगर एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स की एग्जांपल ली जाए, तो ये आप लोगों के लिए डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं, कभी एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट के लिए वो सीआर है या इंचार्ज है, कोई एक सब्जेक्ट स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश के लिए इंचार्ज है, तो बाकी सब स्टूडेंट्स उसके क्लाइंट होंगे। जब उससे इंग्लिश के सब्जेक्ट की असाइनमेंट्स उसको सबमिट करवाते हैं, कोई उसको काम जो है वो उससे पूछते हैं, तो वो उस वक्त बाकी सब क्लाइंट हैं और वो स्टूडेंट जो है वो सर्वर का रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह से कोई और स्टूडेंट जो है वो लेट से कंप्यूटर सब्जेक्ट का इंचार्ज है, तो वो कंप्यूटर के हवाले से जो टीचर से कम्युनिकेट करने के बाद वो अपनी क्लास को गाइड कर देता है कि कंप्यूटर के सब्जेक्ट में हमने ये टास्क परफॉर्म करने हैं, ये हमारी असाइनमेंट्स हैं, ये डेडलाइंस हैं, इनको हमने मीट करना है। तो उस टाइम पे वो दूसरा स्टूडेंट जो है, जो पहले इंग्लिश का इंचार्ज था, अब वो एज ए क्लाइंट एक्ट कर रहा है। अब जो उसका सर्वर है, सर्वर कंप्यूटर का रोल जो है वो इस वक्त कंप्यूटर के इंचार्ज के पास है। इसी तरह से मल्टीपल हर कंप्यूटर जो है वो एट द सेम टाइम क्लाइंट और सर्वर भी हो सकता है, और अलग अलग टाइम में किसी टाइम पे वो क्लाइंट का रोल प्ले कर सकता है, किसी टाइम पे वो सर्वर का रोल प्ले कर सकता है। आई होप सो कि सिंपल सी एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी। इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क अ पीयर कंप्यूटर कैन एक्ट एज बोथ सर्वर एंड अ क्लाइंट एट द सेम टाइम। वही बात एक्सप्लेन की गई है दोबारा। अ पीयर कंप्यूटर ऑन योर डेस्कटॉप कैन शेयर फाइल्स एंड प्रिंटर्स विद अदर कंप्यूटर्स, एंड इट कैन साइमल्टेनियसली एक्सेस अदर शेयर्ड रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क। अ कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क इज गिवन इन फिगर 5.18। अब आप कंप्यूटर की हम एग्जाम्पल लें, कि अगर घर में फॉर एग्जाम्पल या लैब में आपके पास दो कंप्यूटर्स हैं, तो एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच्ड है, तो आप जो प्रिंटर के साथ कंप्यूटर लगा है वो आपका प्रिंट सर्वर है। तो उस कंप्यूटर जब अपने प्रिंट आउट लेना होगा, तो आप उस कंप्यूटर को डाटा भेजते हैं जिसके साथ प्रिंटर फिजिकली अटैच्ड है, अगर वो प्रिंटर नेटवर्क पे हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है तो। अदरवाइज डायरेक्टली प्रिंटर पर भी भेजा जा सकता है अगर वो नेटवर्क इनेबल्ड प्रिंटर है। और इसी तरह से अगर वही कंप्यूटर जो प्रिंट सर्वर है वो इंटरनेट सर्विसेज किसी और कंप्यूटर से ले रहा है, इंटरनेट किसी और कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, तो फिर उस सूरत में वो कंप्यूटर एट द सेम टाइम सर्वर का रोल भी प्ले कर रहा है और वो इंटरनेट सर्विस के लिए किसी दूसरे कंप्यूटर का क्लाइंट भी है। पीयर टू पीयर नेटवर्क टेंड्स टू बी रिलेटिवली स्मॉल। मोस्ट ऑफ दिस नेटवर्क फॉल टू द रेंज बिटवीन 2 to 10 कंप्यूटर। लार्ज पीयर टू पीयर नेटवर्क बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज बिकॉज सो मेनी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल शेयरिंग एंड मेंटेनिंग शेयर्ड रिसोर्सेज। पीयर टू पीयर नेटवर्क अमूमन छोटे साइज में ही ये आर्किटेक्चर हम रखते हैं। अगर हमें 10 से ज्यादा कंप्यूटर्स को का एक नेटवर्क डिजाइन करना पड़े, तो फिर पीयर टू पीयर नेटवर्क बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क, अगर आपके पास कोई सर्टन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, तो उसमें आप पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर रिकमेंड करेंगे या क्लाइंट सर्वर? तो अगर आपके पास कम कंप्यूटर्स हैं, तो फिर तो आपको क्लाइंट सर्वर, क्योंकि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मैनेज करना भी एक
टेडियस जॉब है, आपको किसी कंप्यूटर को सर्वर का रोल असाइन करना पड़ेगा और फिर उस कंप्यूटर को मेंटेन करना पड़ेगा। पीयर टू पीयर में अगर हर स्टूडेंट जो है वो अपने कंप्यूटर को खुद मेंटेन कर लेता है तो वो आसान है उसको मेंटेन करना। लेकिन अगर वो पीयर टू पीयर कंप्यूटर का वॉल्यूम, उसका साइज इतना बढ़ जाता है, उसमें 25 कंप्यूटर्स हैं, 50 कंप्यूटर्स हैं, तो फिर उसको मैनेज करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी की एग्जांपल आप इस तरह से भी दे सकते हैं कि जैसे इस कायनात की एग्जांपल लें कि जैसे एक अल्लाह ताला की जात है जो इसको कंट्रोल कर रही है, और अगर इसमें कायनात में एक से ज्यादा खुदा होते तो फिर कभी अगर किसी एक का दिल चाहे कि आज सूरज ना तलू हो तो फिर क्या होता, कायनात का निज़ाम धर्म भरम हो जाता। तो इस तरह से इस पूरी हमारी जो यूनिवर्स है ये भी एक बैलेंस के साथ चल रही है, तो ये अल्लाह ताला की वहदानियत का हमें सबूत देती है। बेसिकली एक ज़ात है जिसके लिए जिसके साथ किसी का कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, जिस और किसी के पास कंट्रोलिंग अथॉरिटीज नहीं है। ओके जी, कमिंग बैक टू आवर कंप्यूटर टॉपिक, अब हम देखेंगे कि नेटवर्क्स की फिजिकल अरेंजमेंट के लिहाज से नेटवर्क्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। लैन हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है, जिसमें कि हमारे पास कह लें कि मतलब 25 से या इससे ज्यादा कंप्यूटर्स हो सकते हैं एक बिल्डिंग, एक कमरे में भी एक लैन हो सकती है, एक बिल्डिंग में भी हो सकती है, एक ब्लॉक में भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके पास उस के जो आपने नेटवर्क बनाना है उसके यूजर्स की क्या नेचर है, उस पे टास्क क्या परफॉर्म करना है, उस लैन पे किस तरह का डाटा है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए वो लैन हम बना रहे हैं। अ लोकल एरिया नेटवर्क स्पैन्स अ लिमिटेड फिजिकल एरिया, इट इज कन्फाइंड टू अ सिंगल बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ नियर बाय बिल्डिंग्स, यानी एक सिंगल बिल्डिंग भी हो सकती है और एक रूम क्लासरूम भी इवन हो सकता है, और उसके अलावा नियर बाय बिल्डिंग के जैसे अगर हमारे जैसे इदारे आपने देखा है काफी बड़े बड़े इदारे हैं, इवन एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाने के लिए भी आपको एक दो ग्राउंड्स भी क्रॉस करने पड़ते हैं। तो अगर इस तरह से इनको आप स्मॉल छोटे छोटी बिल्डिंग्स भी अगर एज्यूम कर लें तो इसका भी एक पूरे का पूरा नेटवर्क होता है, बल्कि है हमारे पास। लैंस आर यूज फॉर शेयरिंग एप्लीकेशंस, प्रिंटर्स, ग्रुप स्केड्यूलिंग, ईमेल्स, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड अदर टास्क। हमारे पास अब लैन की जरूरत क्यों पेश आती है, अगर ये बहुत सारे एक इदारे में 100 लोग काम कर रहे हैं और वो अपने अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में और उसके बाद वो अपना काम करके चले जाते हैं तो दूसरे तक तो वो इंफॉर्मेशन नहीं ट्रांसफर हो रही। अगर वो दूसरे तक इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो अगर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है उसके पास इंफॉर्मेशन अगर तमाम जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो अपना रिजल्ट प्रिपेयर करके एक सेंट्रल जगह पर प्लेस कर देते हैं, दैट इज नोन एज एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। अब वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का काम होता है कि उस रिजल्ट को किस तरीके से कंपाइल करके और स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाए। तो इस अगर वो उन कंप्यूटराइज सिस्टम पर जो टीचिंग स्टाफ है वो अपने कंप्यूटर्स के जरिए अपना डाटा एग्जामिनेशन को ट्रांसफर नहीं करते, प्रोवाइड नहीं करते, तो वो सेंट्रलाइज जगह पर डाटा नहीं जा सकता और वो रिजल्ट उसका उस तरीके से बेहतर तरीके से कंपाइल नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लैन के, स्मॉल फिजिकल एरिया होता है, यूजेस हाई स्पीड वायर्ड और वायरलेस कनेक्शंस बिटवीन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर्स वायर्ड के जरिए भी कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि एक ही बिल्डिंग में है, और इसी तरह ये वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है। जो वायर्ड कनेक्शन होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है, वायरलेस में सिग्नल्स के लॉस होने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन वायर्ड कनेक्शन अगर प्रॉपर अच्छे तरीके से मैनेज हुआ हुआ है तो वो सबसे ज्यादा रिलायबल होता है और उसकी स्पीड भी ज्यादा अच्छी होती है। और लैन का चूंकि ये कम फिजिकल एरिया को स्पैन करता है, बहुत सारे कंप्यूटर्स करीब करीब ही पड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली ये ज्यादा रिलायबल भी है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, इसमें जाहिर है कुछ मखसूस तादाद होती है कंप्यूटर्स की, हम बहुत ज्यादा अनलिमिटेड इसका साइज इंक्रीज नहीं कर सकते। सेकेंड टाइप हमारे पास है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क स्पैन्स अ लार्ज फिजिकल एरिया कनेक्टिंग सेवरल साइट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस सिटीज, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। Because of the longer distance involved, WANs are sometimes referred to as long-haul network. अब अगर आप multiple LANs को एक दूसरे के साथ connect कर दें तो एक WAN बन जाएगा। For example, अगर बहुत सारे educational institutions हैं और वो सब किसी एक head office के under आते हैं, तो अगर वो सारे educational institutions के LAN को, networks को किसी एक दूसरे के साथ connect कर दिया जाए तो एक WAN बन जाएगा।
इसी तरह से आप PIA की एग्जांपल ले लें एक एयरलाइन की, कि आपके पास अगर PIA के ऑफिसेज जो हैं वो डिफरेंट सिटीज पर हैं, डिफरेंट सिटीज में हैं, तो उसकी बुकिंग आपने किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट की करवानी है या डोमेस्टिक फ्लाइट की है, तो वो हर जगह से पॉसिबल है। तो बेसिकली अगर एक फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से कराची एक फ्लाइट जा रही है, तो वो फ्लाइट फिजिकली तो एक ही है, उसके अंदर वही नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं पैसेंजर्स के लिए, लेकिन डिफरेंट सिटीज में बैठे लोग उसके लिए रिजर्वेशन कर सकते हैं। इट मीन्स दे आर कंबाइंड, दे वो किसी एक सेंट्रल ऐसी जगह से अटैच्ड हैं, उनके नेटवर्क एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, कि अगर एक सिटी में रहने वाला, अगर इस्लामाबाद में रहने वाले जो हैं वो फॉर एग्जांपल उसे किसी डोमेस्टिक फ्लाइट में 5 सीट्स जो हैं वो रिजर्व करते हैं, और उसके बाद लाहौर में बैठे हुए कोई PIA के ऑफिस के लोग उसको एक्सेस करते हैं उस डोमेस्टिक फ्लाइट की इंफॉर्मेशन, तो उनको वो 5 रिजर्व सीट्स नजर आएंगी कि इसमें से ये 5 सीट्स रिजर्व हो चुकी हैं। तो ये बेनिफिट है हमारे पास के कंप्यूटर नेटवर्क्स की हेल्प से आपकी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली अपडेट होती है और इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, और ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर एक बड़ा सा नेटवर्क बना देते हैं। अ वैन इज ऑफन मेड अप ऑफ 2 or more LANs कनेक्टेड टुगेदर। अब ये मैंने आपको बता दिया, जैसे ये डिफरेंट लैंस हैं, 3 LANs हैं, इनको आप कंबाइन करें तो एक वैन बन जाएगी आपके पास। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव अ लैन एट ईच साइट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको PIA की एग्जाम्पल दी कि जहां जहां जो है वो सिटीज में मुख्तलिफ सतह पर जो PIA के ऑफिस हैं उनकी नेचर डिफरेंट हो सकती है, कहीं पर ज्यादा फैसिलिटीज हो सकती हैं, कहीं कम हो सकती हैं, लेकिन वो सब होंगी आपके पास जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें इसमें कि आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, और सबके सब डिफरेंट लैंस जो हैं वो कनेक्टेड होंगी और वो मिलकर एक वैन बना देंगी। उसके बाद आपके पास उस वैन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। वैन स्पैन्स अ लार्ज फिजिकल एरिया, इट कैन बी वर्ल्ड वाइड लाइक इंटरनेट। अब इंटरनेट भी हमारे पास सबसे बड़े जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। कम्युनिकेशन स्पीड इज स्लो एज कम्पेयर टू लैन। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि लैन में चूंकि फिजिकली कंप्यूटर्स क्लोज पड़े हैं, एक दूसरे के करीब है एज कम्पेयर टू वैन, तो जाहिर है वैन पे नेटवर्क जो डाटा के ट्रांसफर की स्पीड है वो स्लो होगी। कनेक्ट्स कंप्यूटर्स थ्रू पब्लिक नेटवर्क लीज्ड लाइंस और सैटेलाइट्स। अब ये जो है आपके पास जब मल्टीपल लैंड अक्रॉस द डिफरेंट सिटीज एंड अक्रॉस द कंट्रीज एक मुल्क में जो है वो वैन है वो बेसिकली या लैन है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट होगी, तो डेफिनेटली इसमें भी पब्लिक नेटवर्क इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसने सिर्फ अपना नेटवर्क बनाना है तो उसे बाहर की किसी सर्विस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 2 different 3-4 इदारों को डिफरेंट सिटीज में कनेक्ट करना है तो फिर पब्लिक नेटवर्क कौन से हैं, फिर वो कोई बीच में और सर्विस यूज करेंगे, कोई इंटरनेट सर्विस करेंगे। फॉर एग्जांपल PTCL को यूज करते हैं, ये एक पब्लिक नेटवर्क है, इसी तरीके से कोई और नेटवर्क यूज कर सकते हैं, तो फिर उनसे सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, लीज्ड लाइन ली जा सकती हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन अपने जिनका इंटरनेट रिलेटेड टास्क ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उन्हें ज्यादा अच्छी बैंडविड्थ चाहिए होती है, बहुत ज्यादा उनकी फ्रीक्वेंट और सेंसिटिव कम्युनिकेशन होती है, वो लीज्ड लाइंस ले लेते हैं। ये लाइंस मखसूस हो जाती हैं बेसिकली कि वही वाली उसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो है उन लाइंस पर ट्रेवल करेगा उन और वो लाइंस में उनको बैंडविड्थ एक स्पेसिफिक जो है वो कह लें कि पाथ उनको असाइन कर दिया जाता है कि इतनी बैंडविड्थ इनके लिए मखसूस है। इसी तरह अगर सेटेलाइट के जरिए कम्युनिकेशन हो रही है, आप देखेंगे दूसरे कंट्रीज में आप फिजिकली केबल्स तो हर जगह नहीं बिछाई हुई, एक कंट्री के अंदर तो केबल्स हो सकती हैं, लेकिन बीच में अगर डिफरेंट कंट्रीज के को कनेक्ट करने में बीच में समंदर आ जाते हैं तो अमूमन वहां पर भी जेरे जमीन जो है वो केबल्स वगैरह हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ऐसी सूरत में आपके पास सेटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो फिर फर्दर डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट हिस्सों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। और मल्टीपल लैंस इसमें होती हैं, ये आप पढ़ चुके हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले समटाइम्स कॉमन कम्युनिकेशन एरर्स अकर ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखें कि अगर इतने ज्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम्प्लेक्सिटी हो सकती है, कभी वो उस इस सर्विस के अंदर कोई ना कोई तातुल भी आ सकता है, ये कोई इसमें रुकावट भी आ सकती है। तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का होगा दैट वुड बी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
मेट्रोपॉलिटन से क्या मुराद है? मेट्रोपॉलिटन मींस रिलेटेड टू वन सिटी। आपने न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो उसमें देखा होगा आपके पास इंग्लिश न्यूज़पेपर में मेट्रोपॉलिटन न्यूज के नाम से एक आपके पास पेज होता है, जिसमें कि जिस सिटी से वो न्यूज़पेपर आ रहा है वो उसी की न्यूज उसके ऊपर होंगी। फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद का न्यूज़पेपर है तो इस्लामाबाद के शहर से रिलेटेड उस शहर में जो इवेंट्स हो रहे हैं उस दिन पे पर्टिकुलर डे पे उस तरह की न्यूज होती है। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कैन स्पैन फ्रॉम सेवरल बिल्डिंग्स और अ लार्ज कैंपस टू एंटायर सिटी। तो एक बड़ा एक यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस, अगर वो यूनिवर्सिटी एक ही शहर में है तो उसका अगर उसका एक कैंपस, फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद की एग्जाम्पल लें तो एक अगर ब्लू एरिया में कैंपस है और कोई एक जो है वो शहर के किसी दूसरे हिस्से में है, आपके पास शहजाद टाउन में है, इसी तरीके से अगर आपके पास कुछ F10 में है, तो ये थोड़े से एक दूसरे से दूर दूर इलाके हैं। तो अगर इनके कैंपसेस को भी एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड हो तो आपके पास ये एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाएगा। मैन इज यूज बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, इट आल्सो कनेक्ट्स अ नंबर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइन्स। तो अब जो मैंने यूनिवर्सिटी के जैसे कैंपसेस की बात की है तो हर कैंपस का अपना एक लैन होगा, लेकिन फिर वो एक कैंपस दूसरे कैंपस के साथ भी कनेक्टेड होगा और इस तरह से वो बाकी तीसरे के साथ भी कनेक्टेड होगा। और अगर एक सिटी में एक यूनिवर्सिटी के 5 कैंपसेस हैं तो वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना देंगे और इनके पास ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइन्स के जरिए कनेक्टेड होंगे। इट इज लार्जर देन लैन एंड स्मॉलर देन वैन। अब इसको इसकी स्पीड का तायुन आप कैसे करेंगे? आप क्या कहेंगे कि मैन जो है वो फास्ट है या स्लो है? तो आप इसको इस तरह से करेंगे रिलेटिवली कि लैन से तो इसकी स्पीड डेफिनेटली कम होगी लेकिन वैन से इसकी स्पीड तेज है क्योंकि ये इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट लेवल पर है। कवर्स द एरिया बिटवीन 5 to 50 किलोमीटर डायमीटर। तो आप देखें कि मिनिमम जो है अगर आप 5 किलोमीटर से बाहर चले जाते हैं उसके बाद आप इंटरनेट की मतलब नेटवर्क कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं या 50 किलोमीटर के अंदर, 50 किलोमीटर से बियॉन्ड चले जाएंगे तो फिर आपके पास वो वैन बन जाएगा। ये बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स नहीं होते हैं लेकिन एक आपको एवरेज सा एस्टीमेट दिया जाता है जैसे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स या नंबर ऑफ किलोमीटर्स के हवाले से। उसके अलावा मैन के कैरेक्टरिस्टिक्स में ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज करते हैं, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन भी यूज कर सकते हैं, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के टावर्स भी हो सकते हैं कि वो डिफरेंट जगह पर उसने टावर्स रखे हों, जैसे सेलुलर कंपनीज हैं तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट सेलुलर कंपनीज के टावर्स शहर में डिफरेंट जगह पर इंस्टॉल्ड होते हैं तो इस तरह से उनके भी ये नेटवर्क होते हैं बेसिकली। तो ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को भी यूज कर सकते हैं और आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए भी कनेक्टेड हो सकते हैं। प्रोवाइड हाई स्पीड कम्युनिकेशन। अब चूंकि इनका एरिया ये बहुत बड़े एरिया को स्पैन नहीं कर रहे तो इनकी कम्युनिकेशन स्पीड फास्टर होती है, हायर होती है। यूज बाय टेलीफोन कंपनीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड केबल टीवी कंपनीज। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन बनाती हैं? टेलीफोन कंपनीज, जैसे मैंने आपको सेलुलर कंपनीज की एग्जांपल दे दी है, वो हो सकती हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे नेयरटेल की मैंने आपको एग्जांपल दी है या PTCL हो सकता है, या किसी डिफरेंट सिटी में अगर है तो वहां पर कोई और सर्विस हो सकती है। दैट इज एनफ फॉर दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।